दोस्तों, माँ दुर्गा की महा उपासना की नवरात्रि में हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की साधना की जाती है और माँ के हर रूप की अलग महिमा भी है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी के तृतीय स्वरूप चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ के सिर पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी वजह से इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है इंडियन रिचुअल्स। और आज इसी कड़ी में हम आपको नवरात्रि के तीसरे दिन पूजे जाने वाली माँ चंद्रा घंटा को प्रसन्न करने का उपाय बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देवी चंद्रा घंटा का वाहन सिंह है। इनकी 10 भुजाएं और 3 आंखें हैं। 8 हाथों में खड़ग बाण आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र है और 2 हाथों से ये भक्तों को आशीष देती है। इनका संपूर्ण शरीर दिव्य आभामय है। इनके दर्शन से भक्तों का हर तरह से कल्याण होता है। माता भक्तों को सभी तरह के पापों से मुक्त करती हैं। इनकी पूजा से बल और यश में बढ़ोतरी होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक मधुरता आती है। देवी की घंटे से प्रचंड ध्वनि से भयानक राक्षसों आदि भय खाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नव दुर्गा हिंदू धर्म में माता दुर्गा या पार्वती के 9 रूपों को एक साथ कहा जाता है। इन्हें पापों के विनाशिनी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन का महत्व। दोस्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने का होता है। माँ चंद्र घंटा तंभ साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि माँ चंद्र घंटा का कैसे करें पूजा। दोस्तों, माँ चंद्र घंटा इनकी पूजा करने से शांति आती है, परिवार का कल्याण होता है। माँ को लाल फूल चढ़ाएं, लाल सेब और गुड़ चढ़ाएं, घंटा बजाकर पूजा करें, शत्रुओं की हार होगी। इस दिन गाय के दूध का प्रसाद चढ़ाने का विशेष विधान है, इससे हर तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, माँ का आशीर्वाद पाने के लिए बताए गए मंत्र का 108 बार जाप करने से फायदा अवश्य मिलेगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इस दिन आपको किस रंग के कपड़े पहनने हैं और क्या चढ़ावा करना है। देवी चंद्र घंटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ चंद्र घंटा को अपना वाहन सिंह बहुत प्रिय है और इसलिए गोल्डन रंग के कपड़े पहनना भी शुभ है। इसके अलावा माँ सफेद चीज का भोग जैसे दूध या खीर का भोग लगाना चाहिए क्योंकि ये माँ को बहुत पसंद है। इसके अलावा माता चंद्रा घंटा को शहद का भोग भी लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको माँ की उपासना मंत्र से रूबरू कराते हैं। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे ति विश्रुता। दोस्तों, देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों को सतबुद्धि देने वाला है। माँ के घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। दोस्तों, आपका नवरात्रि शुभ हो, मंगलमय हो। आज का हमारा वीडियो यहीं हुआ समाप्त। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और चाहने वालों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए इंडियन रिचुअल्स। हम जल्दी मिलेंगे एक नए दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखें। जय माता दी।